माहिरा खान अगर एक्टर ना होती तो? माहिरा अगर एक्ट्रेस ना होती तो वो क्या होती? क्या होती और उसमें बहुत अच्छी लगती? क्या होती मायरा 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 के पास एक बहुत बड़ी कंपनी होती और सी होती डेफिनेटली जबरदस्त और बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी चला रही होती। क्या बात है। मरियम नवाज अगर पॉलिटिशियन ना होती तो क्या होती? I have no idea. I don't know her too well. ठीक है। जावेद शेख अगर एक्टर ना होते तो क्या होते? कुक। और वो कहते हैं मैं बड़ा जबरदस्त खाना बनाता हूँ भाई। उनका एक इटालियन रेस्टोरेंट, इटालियन ही फ्रेंच रेस्टोरेंट, इटालियन गलत बोल दिया, वो गुस्सा करेंगे, फ्रेंच रेस्टोरेंट होता है। अच्छा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खाएं उनको नहीं लगता और एक वो जिनके बराबर में बैठकर कोई और खा रहा हो तो उनको लग जाता है। क्या बात की है। मोमल कौन सी है? किस तरफ की है? डेफिनेटली खाए बगैर लगने वाले में से हूं। नहीं यार, कहां पर? नो, मैं हमेशा से चबी रही हूँ। आई वाज नेवर अ थिन गर्ल। ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे कजिन्स, मेरी दोस्तें सब जो है हमेशा से पतली ले। अच्छा, अब उनकी शादियां हुई, बच्चे हुए तो रो रही होती हैं कि अब हमें वेट लूज करना होता है। हाँ। कुछ किए बगैर वो 6 महीने में बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं और हमें यहाँ अपना मुंह बंद करना होता है। सो मोमल, क्या है, क्या चीजें हैं जो डाइट में तुम जरूर रखती हो? आजकल बहुत एक अच्छी चीज मैंने अडॉप्ट की हुई है और वो ये है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। आई वाज डूइंग द सेम बिफोर रमजान, राइट? आई वाज लाइक 7 and a half. अच्छा, मैंने रमजान में भी कंटिन्यू की है। अच्छा, पहले मैं 16 घंटे करी थी बिकॉज रमजान में आप सिर्फ 14 घंटे कर सकते हो बिकॉज 5 to 7 इज 14 आवर्स, 14 या 13, 15, हाँ, कुछ 15, इसी तरह, ठीक है। तो उसी में आप कर सकते हो, ठीक है, तो वही में बेहतरीन होता है, बस हाँ, आप हेल्दी खाएं इफ्तार। एग्जैक्टली, एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग डज वर्क। जो लोग बीच में छोड़ देते हैं उनको मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी, एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई 21 डेज, 21 दिन आप लोगों को ट्राई करनी है, तभी उसका असर होगा। ओके, 21 डेज तक इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में और डिटेल्स हम ब्रेक के बाद भी लेंगे, लेकिन डालडा किचन मास्टर इज गोइंग ऑन। डालडा किचन मास्टर में क्या क्या हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन डालडा आप सब जानते हैं जब हम अपने खानों में यूज करते हैं उसकी वजह यह है कि डालडा पर है माओ को पिछले 80 साल से बेहद भरोसा। क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और इस साल आप डालडा यूज करेंगे रमजान में तो आपको 2 फायदे मिलेंगे, एक तो होगी बरकत और एक होगी बचत। तो 2 फायदे डालडा के साथ। साथ में जी क्या हो रहा है जरा मारा मुझे बताइए ना, सिचुएशन क्या है अभी? अभी यह है कि अभी इनकी कुकिंग प्रोसेस शुरू किया है इन्होंने, कटिंग वगैरह कल की है, मैरिनेशन की है, अंदाजा है ना कि सिर्फ 30-35 शुरू कर दी है। जी जी जी, टाइम का इनको बता दिया क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, और प्लेटिंग के लिए लाजमी टाइम रखिएगा 5 मिनट आखिर में, ठीक है, अच्छी होनी चाहिए आपकी। अच्छा जी, मैं अब आपको बताती चलूंगी, जब किचन में होता है बहुत सारा काम तो होते हैं बहुत सारे बर्तन गंदे, और जब बर्तन गंदे होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, याद है कि नहीं मिनाहिल? क्या याद है बताओ? हजार लीमों की ताकत वाला लेमन मैक्स। और लेमन मैक्स में जो सबसे अच्छी बात है ये कि वो एक कैंपेन चला रहे हैं उन खवातीन के लिए जो बगैर कुछ किसी को कहे खामोशी से दिन रात काम करती हैं और बहुत मेहनत से सहरी और अफ्तारी तैयार करती हैं, तो उनको खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है उनकी मेहनत की वजह से लेमन मैक्स की तरफ से। और ये एक चीज है जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, लेमन मैक्स ने इंट्रोड्यूस करवाया है लेमन मैक्स स्क्रब, और ये मैक्स स्क्रब जो है वो 3 गुना ज्यादा ग्रीस पावर रखता है, तो चिकनाई को 3 गुना ज्यादा आसानी से कट करता है। तो लेमन मैक्स का मैक्स स्क्रब घर पर लेकर आए और टेंशन फ्री हो जाए। एक ब्रेक पर जा रहे हैं जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे तो मोमल से होगी और गपशप, समिया के भी किचन में जाएंगे और समिया से पूछेंगे कि आज खाना कहां तक पहुंचा है, केक बन रहा था बाय द वे अगर आपको याद हो, तो देखेंगे केक की सिचुएशन क्या है, और डालडा किचन मास्टर भी है जारी और सारी। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक वी विल बी बैक।